चलो आते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन बताओ। टू कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। करें स्टार्ट करें। बताओ फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। टू कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 5 किलोमीटर। द स्पीड ऑफ द कार मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इफ इट मीट्स दिस टू कार्स एंड इंटरवल 4 मीटर पर सेकंड। 4 मिनट राइट। पहला तो इजी है। तो क्या आया आंसर और इसका फर्स्ट वाले का। 45 मीटर पर सेकंड। सही है क्या? किस किस का नहीं हुआ बताओ। ट्राई करते हैं अपन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जिनका नहीं हुआ बताओ, अदरवाइज फिर वो डिस्कस नहीं करेंगे अपन। इजी है तो चलो ठीक है। सेकंड में क्या है। अ पर्सन एमिंग टू रीच द एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन अ बैंक of a stream swimming with speed of 5 meter per second at an angle of 1200 the direction of sir 120 degree hai wo oh chalo theek hai upar zero dena tha wo baaju mein de diya to ye sabko pata chala 120 degree hai nice sir yes sir chalo theek hai with the direction of flow of water the speed of the ये भी इजी है। ये बताओ किस किस का नहीं हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन है यार ये तो, ये भी हो जाना चाहिए। सेकंड वाला क्वेश्चन बताओ। सेकंड में किसी को डाउट है? सही आया ऑप्शन ठीक है। थर्ड में क्या है। अ मैन कैन स्विम विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू वाटर। ही हैज टू क्रॉस अ रिवर ऑफ विड d flowing with velocity u which is greater than v. The distance through which is carried out stream by the river is x. Which of the following statement is correct? Okay, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है ठीक है। इसमें बताओ किसको डाउट है। एक बार एक्सप्लेन कर दो। ठीक है इसको एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या बोला। अ मैन कैन स्विम विद वेलोसिटी वी रिलेटिव टू द वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दिया है। वी राइट। डायरेक्शन नहीं पता अभी भी। उसके बाद बोला ही हैज टू क्रॉस रिवर ऑफ विथ डी फ्लोइंग विद वेलोसिटी यू। हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि इसकी विड्थ है डी और जो रिवर की वेलोसिटी है वो कितनी है मैग्नीट्यूड यू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना। रिवर की वेलोसिटी यस टू क्रॉस द रिवर ऑफ विड्थ। हाँ ठीक है। द डिस्टेंस थ्रू विच द डिस्टेंस थ्रू विच इज कैरीड डाउन बाय द रिवर एक्स। शिफ्ट कितना हुआ वो एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हुआ आगे राइट। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। ये शिफ्ट उसने कितना दिया एक्स दिया बराबर। और मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वी है तो कौन सी स्पीड हो जाएगी ये वाली हो जाएगी डायरेक्ट। कैलकुलेट क्या करना है अभी आपने को। ऑप्शन में क्या क्या है। इफ ही क्रॉसेस द रिवर इन द टाइम x equals to dy by v. टाइम निकाल दो पहले। तो ये वेलोसिटी है v, इसको ले लो u ठीक है। दिस इज v, दिस इज u
तो टाइम कितना लगेगा, यू एक्स यू टी इज इक्वल टू एक्स, तो टाइम लग रहा है अपना एक्स बाय यू, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक्स कैनॉट बी लेस देन डी यू बाय डी, डी के रिस्पेक्ट पहले तो यू निकाल दो, यू कितना होगा, अगर ये वी है ये अपना यू है तो ये कितना होगा बताओ, ये एंगल ले लो थीटा, तो टैन थीटा बिकम्स एक्स बाय डी, सही है। तो टैन थीटा को क्या लिखेंगे, अच्छा ये नहीं बता अपने को, इसको कंसिडर कर लो पी, ठीक है, तो पी बाय यू इक्वल्स टू एक्स बाय डी, तो हमारे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया, एक्स यू बाय डी, ठीक है। उसके बाद फॉर एक्स को मिनिमम करना है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया यार, इसका आइदर पहले दो तो नहीं यार, आइदर सी आएगा नहीं तो डी आएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में आ जाओ, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट इज 18 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12, इफ द रिजल्टेंट एट इज एट 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, इसमें डाउट है फोर्थ में किसी को बताओ, नहीं है, फिफ्थ में नंबर बता दो मेरे को अब। हाँ सर ये क्वेश्चन थ्री में समझ नहीं आया सर, ये जो आपने बताया ना बाद में इसके डायग्राम के बाद में वो नहीं आया सर, डायग्राम तो समझ में आ गया। हाँ, देखो सर, डायग्राम तक तो आ गया था, उन्होंने क्या बोला है, ये जो v है ना, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जो कि इस डायरेक्शन में, ठीक है। अभी हमें वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया, एक्स यू बाई डी, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन क्या था, मिनिमम टाइम पूछा है, मिनिमम टाइम के लिए क्या होना चाहिए बताओ, मिनिमम टाइम के लिए हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन, मैन की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, इधर, तो v किधर हो रहा, इधर होगा v, बराबर, तो इसके लिए तो x तो जीरो हो जाता है ना, राइट। तो पहला ऑप्शन तो है ही नहीं, दूसरे में क्या दिया है, x cannot be less than du by v, बताओ x की वैल्यू कितनी आई है du और उसके कंपैरिजन, v is equals to x by u, x u by d into t, t कितना है, x by u is equals to क्या आएगा, d आएगा सपोज, तो क्या हो रहा है, d, नहीं नहीं तो डायरेक्ट वही लिखा ना अपन ने, डी यू बाई वी से लेस देन, एक्स की वैल्यू तो जीरो हो सकती है ना, क्या कर रहा है, अगर मेरा मैन, देखो अगर मेरा मैन इस डायरेक्शन में जाता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ पे आ जाएगी, इस डायरेक्शन में, तो एक्स तो जीरो हो जाएगा, फिर ड्रिफ्ट तो हो ही नहीं पाएगा आदमी, बराबर, तो एक्स की मिनिमम वैल्यू तो कितनी हो सकती है, जीरो हो सकती है, तो दूसरा तो ऑप्शन वैसे ही गलत लग रहा है मेरे, तीसरे ऑप्शन में आ जाओ, अभी x को हमें मिनिमम करना है, he has to swim in the direction of making an angle theta, अभी theta angle निकाल दो, so that x should be minimum, तो x की हम value निकाल देते हैं, सबसे पहले तो, एक theta angle ले लो, ये theta है, right, अभी ये total angle आएगा, pi plus theta आएगा, तो सिंपली हमारा tan थीटा कितना आएगा, वो वाले केस में इधर क्या है u, सॉरी v, इधर क्या है u,
तो tan थीटा डायरेक्ट कितना हो रहा है बताओ, u बाई वी, ठीक है, तो कितना होगा एंगल पाई बाय टू प्लस tan इनवर्स ऑफ u बाई वी. तो एक सेकेंड, साइन इनवर्स ऑफ v बाई, एंगल देखो अपन ने सही किया है क्या, x को मिनिमम करना है, x की मिनिमम वैल्यू तो जीरो हो रही है, x to be minimum, he has to see in the direction of angle of the direction of law of water. C और D option में क्या सेम है, क्या सिमिलैरिटी है, इसमें मेरे को ऑप्शन में डाउट लग रहा है, बताओ. हेलो सर, इसमें सी वाले में तो मिनिमम करने के लिए कह रहे हैं, वो उसकी डायरेक्शन में आएगा, वाटर की डायरेक्शन में. हाँ तो वाटर की डायरेक्शन इधर है ना, इधर इस डायरेक्शन में, तो मैं आदमी की डायरेक्शन इधर लूंगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर स्ट्रेट हो जाएगा, तभी जाके वो क्या होगा, एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्स की मिनिमम वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए शायद. इस मेरे को लगता है इस क्वेश्चन में डाउट है, किसको आया इसका आंसर बताओ, ये क्वेश्चन में ड्रैग कर लेता हूँ, एक सेकंड रुको, इसमें मेरे को लग रहा है डाउट है. देखो इसमें शायद लग रहा है आपने को डाउट है, किसको आया बताओ इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या दिया आंसर की में? सर डी दे रखा है मेरा, नहीं सर सी दे रखा है, डी आया. तो सी और डी तो सेम ही है, इसमें क्या डिफरेंस है बताओ आपने, पाई बाय टू. हाँ सर सी और डी तो सेम है. जो क्वेश्चन पेपर जो दिया था सर उसमें तो नहीं लिखा सर, सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में दिया हुआ है बस, ये साइन इनवर्स वी बाय यू, बाकी सी में तो सिर्फ एक स्टेटमेंट दी हुई है, सी में तो ये स्टेटमेंट दी है ना. हाँ डी में तो स्टेटमेंट भी. ये इक्वेशन जो लिखी है ना पाई बाई टू प्लस साइन वर्स वी बाई यू सी ऑप्शन में, वो नहीं दी हुई है सर क्वेश्चन पेपर में, बस इतना ही दिया, बस स्टेटमेंट स्टेटमेंट. अरे अरे फ्लो ऑफ वाटर तक. नहीं नहीं ये ऑप्शन गलत है मेरे ख्याल से, करते इसको चेक करते, ठीक है इसको नोट कर लो थर्ड वाले क्वेश्चन को. उसके बाद आते हैं फोर्थ, हो गया फिफ्थ, हो गया, बताओ मेरे को नंबर बताओ, नहीं तो ज्यादा टाइम लग जाएगा ना, एडवांस भी करना है अपने को. एक मिनट सर. सर एट्थ क्वेश्चन नहीं आया. ओके बॉगी of uniformly moving train is suddenly detached from the train and stop after covering some distance. Okay. The distance covered by the bogie and distance covered by the train in the same direction in the same time has relation. Uniformly moving train मतलब क्या होगा पहले तो? Same velocity है. ठीक है. Sorry, velocity constant है. Yes, sir. तो ये जैसे ट्रेन है राइट, इसकी वेलोसिटी v है. अभी ट्रेन तो t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, vt,
बराबर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है राइट right? अभी यहां से हमने फेंक दिया है राइट right? अब इसको फेंकने के बाद इसकी भी तो वेलोसिटी वी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ राइट right? लेकिन इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी यहाँ पे कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में दिया नहीं है सर इन द सेम डायरेक्शन ओवर बाय द ट्रेन कमी होगी फिर तो इक्वल होगी ना फिर तो इक्वल होनी चाहिए क्या बोलते अगर ये मेरा क्या करेगा बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो उतने टाइम में अगर इसकी हाइट ज्यादा है नहीं हाइट भी तो नहीं दी होगी इसने सर 8 क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल क्यों आएगा वो तो वो है ना क्या नाम ट्रेन है हाँ ट्रेन की बोगी डिटैच हुई है ट्रेन से तो फिर इसमें प्रोजेक्टाइल क्यों लग गया डिटैच होने के बाद लेकिन उसकी वेलोसिटी तो चेंज होने के लिए कुछ एक्सेलरेशन होना चाहिए सर वो तो डीएक्सेलरेट होगी ना सर रिटार्ड होगी ना सर तो रिटार्डेशन का रिलेशन थोड़ी पता है आपने जैसे देखो ये तो वी वेलोसिटी से जाएगी राइट हाँ सर ओ अच्छा अच्छा बोगी का कुछ मास दे का मास का रिलेशन एक मिनट सर तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगा सिर्फ टाइम सेम है मैंने तो सर ये कर दिया नो डिफाइंड रेशियो कुछ समझ ही नहीं आया क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने आंसर में क्या दिया दे रखा है कि the first will be half of second इसमें भी शायद कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लग रहा है मेरे को इसमें कुछ मिसिंग है एक सेकंड चेक करते हैं अपन अगर उन्होंने बोला है सपोज ऐसे कर दो कि उसकी आफ्टर सर्टेन टाइम अगर वेलोसिटी भी जीरो होती है नहीं नहीं उसमें भी नहीं आएगा शायद रिलेशन निकाल दे क्या एक ये कर सकते कि यूनिफॉर्मली वहां पे उन्होंने क्वेश्चन में गलत बताया होगा तो देखो इसका एक्सेलरेशन है ए ठीक है तो अभी रिटार्ड होगी तो माइनस एक्सेलरेशन होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में राइट यस सर उसके लिए क्या रिलेशन आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s ट्रेन के लिए और जो बोगी छुट्टी है उसके लिए क्या होगा उसकी वेलोसिटी आफ्टर सर्टन टाइम क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू यू माइनस 80 तो कितना टाइम लगा बताओ v बाय ए बराबर तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा बेसिकली दूसरा वाला बोगी बोगी कितना डिस्टेंस कवर करेगा बताओ v स्क्वायर बाय 2 है राइट जीरो इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 2a डिस्टेंस कवर्ड बाय बोगी राइट और उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना आएगा हां सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर नहीं आएगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ट्रेन की वेलोसिटी थी ना हां तो v किया ना अपन ने ये तो क्या v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s सही तो क्या तो सर फिर u स्क्वायर जीरो आपने लिया है हर चीज लगा u को जीरो लिया क्या सर क्योंकि आपने a के लिखा है ना b स्क्वायर लिखा है सर इसलिए मैंने अरे नहीं 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 वो u है जीरो लिखा है मैंने हां और एक्सीलरेशन जो है ना माइनस लिया है और कुछ नहीं एक्सीलरेशन नेगेटिव है रिटार्डेशन मोशन किया राइट सर एक चीज पूछना था कि हां कांस्टेंट एक्सीलरेशन में यूज करते हैं ना ये हाँ तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसका होगा ना आपका बोगी का हाँ ट्रेन का ट्रेन अच्छा हाँ ट्रेन तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगी तो ट्रेन के लिए क्या लिखेंगे जीरो
जीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन। हाँ ट्रेन तो यूटी हो जाएगा डायरेक्ट वीटी राइट, और टाइम इक्वल कर दो बराबर। देखो यहाँ पे कंसिडरेशन क्या कर रहे हैं हम, आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि ट्रेन तो चलेगी चलेगी राइट, वी वेलोसिटी से चलती रह रही, बट ये क्या हो रहा है आफ्टर सर्टन टाइम क्या हो रहा है ये रुक जाएगा, कितने डिस्टेंस पे सॉरी ये भी आगे जाएगा, तो ये एस बी डिस्टेंस पे रुक जाएगा, लेकिन ये तो आगे जा रहा है तो इस पे एक्सेलरेशन ले लो ए, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से जाने दो, तो इसको मैं रोकूंगा पिछले वाले बोगी को, तो पिछले वाली बोगी रुकने के लिए कितना टाइम लगेगा बताओ, वी बाय ए राइट, और कितना डिस्टेंस कवर करेगा पिछले वाली बोगी, वी स्क्वायर बाय टू ए करेक्ट, और ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, v इंटू टी, तो t की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम, v बाय ए, तो देखो ट्रेन का डिस्टेंस हो गया v स्क्वायर बाय ए, और बोगी का डिस्टेंस हो गया v स्क्वायर बाय टू ए, तो हाफ होना चाहिए, क्या बोलते हो सही किया बताओ, एक बार फिर से बताओ ठीक है। देखो सर हाफ इट इज फिर, हाँ एक बार अच्छे से बता दो, देखो देखो ट्रेन तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बोगी की v, और इसका एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में a, इसका एक्सेलरेशन है क्या नहीं, तो हमने इसे कंसीडर कर लिया कि इसकी वेलोसिटी जीरो कितने टाइम के बाद होगी बताओ, बोगी की वेलोसिटी t जीरो इज इक्वल्स टू v माइनस at, तो टाइम कितना लगा v बाय a, और जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी बोगी बताओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस टू ए डिस्टेंस कवर्ड बाय बोगी, तो वी कितना है जीरो, यू कितना है बताओ, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस बी, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बोगी कितना है आपने को, राइट ये टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा कितने टाइम में, v बाय a, अभी हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रेन है उतने टाइम में कितना आगे जाएगी, ये तो रुक जाएगा बोगी अपना रुक गया, इतने टाइम के बाद इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद बोगी तो रुक गया, लेकिन रिलेटिवली ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेन कितना दूर जाएगी बताओ, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन v इंटू टी, इसकी इसका एक्सेलरेशन तो जीरो है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, तो v टाइम को क्या लेंगे सेम लेंगे, इन सेम टाइम पूछा है v बाय a, तो वो मैं बोल रहा हूं कर लो इसको रोट कर लो सर, क्वेश्चन में डीएक्सेलरेशन नहीं दिया तो एक्सेलरेट कर सकते हैं, नहीं एक्सेलरेशन ट्रेन का नहीं दिया उसने, ट्रेन यूनिफॉर्म मोशन है, तो यहाँ पे हमने ट्रेन का एक्सेलरेशन लिया है, लेकिन जो बोगी है डीएक्सेलरेशन पे दूसरा डिटैचमेंट, हाँ तो रिटार्डेशन ना तो लिखा है ना अपन ने यहाँ पे माइनस टू है, अच्छा दिया नहीं ऐसे बोल रहे हो क्या शायद, हाँ वही अपने को कंसिडर करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर ये हो जाएगा बोथ विल बी इक्वल है ना, बट ऐसा है कि एक ट्रेन को आप मूव करते हो तो हम फोर्स लगाते एक्सटर्नल, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कांस्टेंट स्पीड से जाने के लिए ट्रेन को क्या करेंगे हम कुछ, क्योंकि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आपको पता नहीं होगा लेकिन फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, इसको कैंसिल करने के लिए हमने फोर्स अप्लाई किया सो दैट ये ट्रेन क्या होगी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी ठीक है, लेकिन जब हम एक ब्लॉक को डिटैच कर देंगे एक बोगी को तो इस पे ओनली फ्रिक्शन एक्ट होगा, अब ये फोर्स नहीं रहेगा तो ओनली फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, समझ रहे हो, तो ये अपने को शायद कंसिडर करना पड़ेगा ठीक है, उसके बाद बताओ कौन सा डाउट है, नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ नंबर बता दो डायरेक्ट सर, नाइन्थ में तो
वो आएगा ना लास्ट वाला डी. इग्नोर द फिगर शोज फोर पाथ फॉर अ किक फुटबॉल इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ एयर ऑन अ फ्लाइट द रैंक ऑफ पाथ अकॉर्डिंग टू द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट हाईएस्ट फर्स्ट. हाँ जो सबसे आगे जा रहा है. 4-3-2-1 4-3-2-1 आएगा. सही है ना डी? तू गलत दिया क्या? नहीं सर पूछ रहा था क्योंकि मैंने नहीं नहीं डी ये लगाया था पर देखा नहीं मैंने. इसके बाद उसके बाद बताओ 11, 12, 13 13 में कुछ है सर? 11 को ड्रैग कर लेते पहले तो फिर थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए आपको भी है ना. देखो 11th वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्या बोला इसने? पार्टिकल इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड वी मीटर पर सेकेंड अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर. ए बी सी आर थ्री पॉइंट्स ऑन अ पेरिफेरी ऑफ अ सर्कल. ABC equilateral track velocity the magnitude of average velocity of particle as it moves from A to C. अभी average velocity हमें calculate करनी है तो हम क्या करेंगे? Average velocity का formula क्या होता है? Total displacement displacement कितना होगा बताओ? A टू C अगर आएगा पार्टिकल तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया राइट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो कितना एंगल कवर कर रहा है वो? जैसे मैं बताता हूँ 60 A टू C अच्छा A टू C क्लॉकवाइज. हाँ तो 120 होगा ना मेरे ख्याल से 60 प्लस. हाँ सर. ओ नहीं नहीं 120 प्लस 120 240 होगा. A टू C देखो ये तो 120 है प्लस ये भी 120 वो 240 हाँ 240 को पाई में कितना लिखते हैं? पाई में कितना आएगा? 240 इनटू पाई बाय 180 कर दो तो रेडियंस में आएगा आपका 4 बाय 3 ठीक है. इक्विलैटरल ट्रायंगल कांस्टेंट स्पीड है तो सबसे पहले इसका एवरेज वेलोसिटी टाइम पीरियड निकाल दो पहले उसके बाद अपने आप हो जाएगा. ये आर है दिस इज आर. तो एसी कितना है टोटल? एसी की वैल्यू बताओ. बाकी ज्योमेट्री यार मेरे ख्याल से दिस इज आर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ठीक है. ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री. ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर कॉस 30. कॉस 30 मतलब रूट 3R/2. तो ये टोटल एसी डिस्टेंस कितना होगा? सर 60 क्यों होगा सर? 30 होना चाहिए ना सर ऊपर वाला. 30 लिखा ना मैंने. नहीं नहीं सर वो जहाँ पे आपने आर ड्रॉ किया है ये दोनों के बीच में 120 एंगल है राइट. तो ये 60 हो गया. ये 90 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपन ने. तो 120 कैसे? मैं नहीं समझा. मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 + 60 + 60 180 होना चाहिए. अरे 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 एक सेकंड हमने ये वाला एंगल लिया ये 120 है ठीक है. ये कितना होगा? 60 है तो ये 30 होगा. तो यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दो. थोड़ा छोटा बनाएगा डायग्राम मैंने बड़ा बना था. सॉरी सर सुन नहीं पाया वो कनेक्शन इशू था. ओके देखो
ये हमारा 60 है तो ये हाफ हो जाएगा 30, बराबर। मैंने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आर है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ। ओके सर, मतलब ये उसके टोटल 120 सेंटर था। हाँ, ये सेंटर है। ओके सर, समझा। तो एसी का वैल्यू कितना हो गया, √3R, ठीक है। तो पहले तो लिख लो डिस्प्लेसमेंट है √3R। टाइम पीरियड कितना होगा, टोटल टाइम पीरियड फॉर एंगल 2π, या फिर ऐसे टाइम कितना लगेगा बताओ, कितना एंगल कवर हो रहा है, 4π/3 डिवाइडेड बाय v, राइट। तो इसको डाल दो, 4π/3 डिवाइडेड बाय v, तो टाइम भी आ गया और डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, तो क्या है, 3√3 v बाय 4π, सही है क्या, बताओ डी, बताओ टाइम कैसे निकाला है, फिर ये भी डाउट है सर। टाइम वाला एक बार रिपीट कर दो। लग ही रहा था मेरे को। देखो ये आर्क का लेंथ कितना होता है बताओ, आर्क का लेंथ, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, जैसे मैं टाइम निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो डिस्टेंस वैसे देखोगे तो डिस्टेंस कितना है बेसिकली बताओ, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ क्या होता है, आर थीटा, बराबर। तो आर थीटा कितना हो जाएगा, आर्क लेंथ बताओ, 4 by 360 into 2πr, नहीं नहीं एंगल कितना है, 4π/3 है, ठीक है, एंगल इज 4π/3 इंटू आर, राइट। यहाँ पे आर नहीं लिखा है क्या मैंने, आर भी होगा, 4π/3 इंटू आर, ये डिस्टेंस हो गया, डिवाइड बाय क्या होगा, सिंपली स्पीड वी, तो इतना टाइम लगेगा कवर करने के लिए उसको, ये बोल रहा हूँ। तो डिस्टेंस इज नथिंग बट आर्क लेंथ विच इज आर थीटा, थीटा है अपना 4π/3 विच इज 240 degrees, ठीक है। डी आंसर दिया है ना, सही किया ना अपन ने, बताओ। सर इसके बाद 12, 13 बोलो बोलो जल्दी बोलो, एडवांस भी करना है, एडवांस को ज्यादा टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। इसके बाद सर 13 प्लेन इज फ्लाइंग विद एन एयर स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ बट सडनली एनकाउंटर्स बिटवीन 10 मीटर पर सेकेंड एट 30 नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ओके, इफ एंगल मेड बाय न्यू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्लेन। चलो इसको ये कर लेते हैं, लग तो इजी रहा फिर भी। ये कर लिया, नोट कर लिया ये वाला क्वेश्चन? यस सर। क्या प्लेन इज फ्लाइंग विद एन एयर स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ ले लो 10 मीटर पर सेकेंड, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से कितना डिस्टेंस पे है, विंड की स्पीड 30 डिग्री एंगल पे इधर है, 10 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री, इफ एंगल मेड बाय न्यू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओ दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड है, और दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड, द एंगल मेड बाय न्यू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन इज पाई बाय। अरे ये तो क्या क्वेश्चन है, जैसे ये
velocity of wind. This is velocity of plane with wind, right? Wind ke respect. तो किधर होगा अपना प्लेन का वेलोसिटी बताओ. नॉर्थ से एंगल फाइंड आउट करना है, राइट? ये एंगल कितना है? दिस इज पाई बाय 6. ओके, तो यहां से इसका एंगल फाइंड आउट करना. तो क्या होगा बताओ, इस डायरेक्शन में होगा कहीं पे तो भी वेलोसिटी ऑफ प्लेन. नॉर्थ के साथ एंगल बना रहा है वो थीटा सपोज, तो क्या कर देंगे बताओ? इन दोनों के बीच में कितना एंगल आएगा? वेलोसिटी ऑफ प्लेन एंड वेलोसिटी ऑफ विंड, इन दोनों के बीच में एंगल आएगा अपना थीटा प्लस पाई बाय 3, राइट? और दिस इज रिजल्टेंट एंगल, वेलोसिटी ऑफ पी प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड. तो कुछ नहीं, यहाँ पे वेक्टर एडिशन कर दो दोनों का, राइट? इससे एंगल कितना लेना है यहाँ से अपने को? पाई बाय 3. तो यहाँ से पाई बाय 3 डाल देना, ठीक है? बताओ क्या होता है टैन थीटा, क्या होता है वेक्टर एडिशन में? ये अगर ए है, ये बी है, दिस इज अल्फा, सॉरी टैन अल्फा कितना होगा? रिजल्टेंट का एंगल कितना होता है बताओ? बताओ, अगर ये नहीं होगा तो होगा ही नहीं आपसे क्वेश्चन. फिर डायरेक्ट वेक्टर वाला क्वेश्चन है, ठीक है? बताओ कितना होगा एंगल टैन अल्फा, वेक्टर किया कि नहीं आपने? हेलो, यस सर, हो जाएगा ना? अब सीधा यहाँ पे टैन अल्फा की जगह पे टैन पाई बाय 3 पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू जो आएगा अपने थीटा के रिस्पेक्ट वो डाल दो, अपने आप ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? इजी क्वेश्चन था ये तो. नेक्स्ट बताओ. ठीक है सर. नेक्स्ट सर 14th, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v फ्रॉम हाइट h above the ground. The horizontal wind is blowing in the direction opposite to the velocity of projection and gives the stone a constant horizontal acceleration f opposite to the initial velocity. Okay. As a result, stone falls on the ground at a point vertically below the point of projection. Oh. Then the value of height h in the terms of f, g, v. F का एक्सेलरेशन, वो क्या किया है उन्होंने? स्टोन को जो है एक पर्टिकुलर हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, ठीक है? एच हाइट से स्टोन को वी वेलोसिटी से थ्रो किया और विंड क्या हो रही थी? इस डायरेक्शन में ब्लो हो रही थी, सो दैट उसका नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना आया अभी बताओ? जी, उन्होंने बोला कि स्टोन जो एग्जैक्ट यहाँ पे गिरा, ठीक है? तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्टोन का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो, राइट? इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी? वी टी, और एक्सेलरेशन कितना है? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो. तो बताओ टाइम कितना लगेगा उसको नीचे आने के लिए? 2v by g. उसने किसका रिलेशन पूछा है? h, ठीक है? तो h के लिए क्या करेंगे? h equals to क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन कितना है? जीरो. इनिशियल एक्सिलेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन कितना है अपना? g. तो क्या हो जाएगा? ओ, ये f है. x एक्सिस में एक्सिलेशन कितना है? नेगेटिव f. इसको एफ कंसिडर कर लो. और एच क्या हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर. टी की वैल्यू आप पुट कर देंगे डायरेक्ट, हाफ जी 4 वी स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर. तो ये नहीं है क्या आंसर दो स्टेप में?
देखो ऑप्शन में है क्या, 2gv² / x² डी ऑप्शन है ना? यस सर। फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, दो एक्सिस में अलग अलग से सॉल्व करना पड़ता है बस, है ना? ओके सर। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट 17 पे आते सीधा, अ ट्रॉली 5 kg ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज पुल्ड बाय इस पूल 5 kg, अच्छा 5 kg फिर से है, बाय लोड ऑफ 2 kg बाय मींस ऑफ यूनिफॉर्म रूप ABC ऑफ लेंथ 2 meter एंड मास 1 kg एज लोड फॉल्स फ्रॉम BC 0 टू BC 2 meter द एक्सेलरेशन। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे ना अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मास के रिस्पेक्ट। सर हमें वो स्ट्रिंग में मास और लेंथ का पढ़ाया भी नहीं। क्या स्ट्रिंग का मास हुआ नहीं क्या आपका? नहीं। अरे क्या बात कर, हुआ होगा यार, इजी कॉन्सेप्ट है, बता दूंगा आपको, पता चल जाएगा। देखो पहले स्ट्रिंग कहाँ पे थी, यहाँ पे थी राइट, तब तो उसका कुछ मास नहीं होगा ऐड, बराबर। ये 2 kg है, दिस इज 5 kg, तो बेसिकली जब मास ऐड होगा तो टेंशन बस इसका जो फोर्स है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, नथिंग एल्स। तो नीचे जो फोर्स होगा वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब टेंशन इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अपन, 2 kg 2g प्लस मास ऑफ स्ट्रिंग जितना नीचे आया, ठीक है। एक डिस्टेंस ले लो, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, अगर x डिस्टेंस नीचे आया तो बताओ कितना मास नीचे आएगा उसका, टोटल मास इज 1 kg राइट, और लेंथ कितना है 2 meter, तो 1 मास पर यूनिट लेंथ इतना हो जाएगा इनटू x, तो इतना मास आएगा उसका एट x पर्टिकुलर डिस्टेंस पे राइट, आएगा कि नहीं आएगा? तो dx डिस्प्लेस कर दो उसको, dx डिस्प्लेस कर दो और वहां पे एक्सेलरेशन निकाल दो, इंटीग्रेशन करके हो जाएगा, ठीक है। दोनों का एक्सेलरेशन पूछा है क्या, ए और सी का? हेलो, यस सर। हाँ तो आ जाएगा ना डायरेक्ट, सेम ही होगा मेरे ख्याल से। नहीं 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 सेम नहीं होगा, वेट 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 सर, एक में सेकेंड ब्लॉक का चेंज इन एक्सेलरेशन पूछा। ओ सेकेंड ब्लॉक का मतलब इनिशियली कितना होगा और फाइनली कितना होगा, अरे फिर तो और इजी है ना, फिर तो इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है क्या, अब तो इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है, हटा दो इसको। एक इनिशियल वाला केस ले लो, जब स्प्रिंग कहाँ पे होगी, बीसी की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, यही पे मेरा ब्लॉक होगा, तब एक्सेलरेशन निकल जाएगा सिंपली राइट। ये वाला मास तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसके साथ ही ले लो इसको, बराबर। और दूसरे वाले में क्या करेंगे, मतलब एक तरफ 6 kg और दूसरी तरफ 3 kg, हाँ दूसरी तरफ 2 kg और इधर 6 इनिशियली वाले केस में, और फाइनल वाले केस में यहाँ पे 3 kg हो जाएगा, यहाँ पे 5 kg, ठीक है, डायरेक्ट है ये। सर ये हमने 6 और 3 क्यों नहीं लिया, 6 और 2 क्यों लिया, ये नहीं समझा। देखो रोप तो इधर है ना, अभी वो मास ऑफ स्ट्रिंग जो है वो इस साइड में, इधर तो सर, तो सर उधर भी तो थोड़ा बहुत लेंथ होगा ना, तो सर उसमें भी तो इनिशियल वाले केस में x की वैल्यू तो 0 ही है ना, बीसी अगर 0 होगा तो कुछ लेंथ होगा ही नहीं यहाँ पे, कुछ भी नहीं होगा। ओके सर, तो 6, 2 और 5, 3 हो जाएगा, अब तो सिंपल केस है अपना, 2 ब्लॉक वाला पुली सिस्टम। उसके बाद सबने एग्जाम नहीं दिया था क्या, सारे बच्चों ने दिया था सर, दिया था सर, नहीं फिर कुछ कुछ बच्चे जा रहे हैं ना बीच बीच में, तो मेरे को लगा उनको नहीं है डाउट,
कर लो जल्दी, फिर एडवांस के लिए टाइम नहीं बच रहा, आधा घंटा है बस अपने पास। और इसमें और कुछ है? इंटीजर वाले तो बता, ये तो अच्छे क्वेश्चन होंगे इंटीजर वाले। 21 to 25 सर, एक और 25 में थोड़ा सा समझने में दिक्कत आया था। सीधा 25, बीच में कोई डाउट नहीं है ना, देख लो एक बार। बीच में अगर कोई डाउट हो तो बताओ। चलो 25 करते हैं, इसको तो ड्रैग कर लेंगे। कितने आए मार्क्स ये पेपर में बताओ सर? 25 में? नहीं नहीं नहीं, वैसे टोटल मार्क्स कितने हैं? 178 सर। फिजिक्स में? फिजिक्स में, फिजिक्स में एक मिनट सर, वो पेज में दिया होगा, एक बार देखते हैं। अरे इस वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है पता है क्या, कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इन एक्स एक्सिस राइट, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इन एक्स एक्सिस, मतलब एक पॉइंट पे मीट होने चाहिए राइट। तुम ऐसे वाले केस के लिए डी कौन सा डिस्टेंस है? डिस्टेंस है ठीक है, तो कोलिजन होने के लिए सेम टाइम में अगर ये एक्स डिस्टेंस कवर करता है तो इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? डी माइनस एक्स इन सेम टाइम। सिमिलरली अगर ये वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर करता है, टेन तो है ही ऑलरेडी, और टेन प्लस वाई तो ये भी कितना कवर करेगा? 20 माइनस 10 प्लस वाई ठीक है। तो ये बस आप यूज कर लो, बाकी दो प्रोजेक्टाइल आपको लगाना है। 72 अच्छा सॉरी सॉरी ठीक है इसको तो निकाल दो। एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आफ्टर टाइम टी? एक्स डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 टी, और इसका कितना होगा? डी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टेन टी, सेम ले लो। सिमिलरली दूसरा भी कंडीशन अपना सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पे कितना आ गया? डी इज इक्वल्स टू 20 टी, तो टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वाई एक्सिस का इक्वेशन सेटिस्फाई कर लो। वाई एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 माइनस 10 प्लस वाई ओके इज इक्वल्स टू कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है डायरेक्ट, 10t gt, और इसका डिस्प्लेसमेंट है कितना? y ले लो इसको, 10 प्लस y की जगह पे बस y। सर समझ नहीं आ रहा सर, क्या बात कर रहे हो? देखो मैं क्या कर रहा हूं, कोलिजन होने के लिए एक प्रोजेक्टाइल का जितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा राइट, उतने टाइम में दूसरा प्रोजेक्टाइल भी यहां तक पहुंचना चाहिए, पहली बात तो एक्स एक्सिस में राइट, और दूसरा इसका जितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा उतना भी उसका वर्टिकल यहाँ पे पहुंचना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसका डिस्टेंस सेम कर दूंगा, इसको सेम टाइम में, जैसे एक्स डिस्टेंस से कवर करेगा टी टाइम में, तो इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा बताओ? डी माइनस एक्स इन सेम टाइम ठीक है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन लिखता हूँ फॉर लेफ्ट प्रोजेक्टाइल, क्या हो जाएगा बताओ? लेफ्ट प्रोजेक्टाइल के लिए एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कितनी है? ये 10√2 है, तो इधर कितनी आएगी? 10, ऊपर कितनी आएगी? 10, तो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आफ्टर टाइम टी बताओ?
x is equals to velocity into t, क्योंकि x axis में कोई acceleration नहीं है और left project है. यहाँ तक समझा कि नहीं? Yes sir. Okay. सीधा दूसरे projectile पे आ जाओ. उसकी तो x axis में velocity 10 meter per second दी है. Right. तो y axis में zero हो जाएगी. हाँ, तो t time में वो x displacement कितना cover करेगा? D minus x. Right. यहाँ पे अपन ने mention किया. तो कितना होगा बताओ? D minus x becomes 10t, क्योंकि x एक्सिस में इसका भी वेलोसिटी, इसका भी सॉरी एक्सेलरेशन कुछ है नहीं. तो सर t 1 हो जाएगा ना फिर 1 सेकंड? नहीं नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो. इसमें दो अननोन है ना, x भी अननोन है और t भी अननोन है. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या आएगा? d इज इक्वल्स टू 20t. तो ये पहला इक्वेशन, इसको मार्क कर लिया. यहाँ तक कुछ डाउट है? नो सर. अभी हम आएंगे y एक्सिस में. देखो y एक्सिस में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10. इसकी वेलोसिटी कितनी है y एक्सिस में? 0. तो अगर ये y एक्सिस में मेरा y डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, तो इसको कितना नीचे आना पड़ेगा बताओ? सर मैं सुन नहीं पाया, क्या बोला आपने? अगर ये t टाइम में y डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका y एक्सिस में, ठीक है, तो जो दूसरा प्रोजेक्टाइल है अपना, वो कितना नीचे आएगा? सर वो 10 माइनस y आएगा. क्या बात है, 10 माइनस y आएगा. तो बस मैं क्या करूंगा, अब y डिस्प्लेसमेंट के लिए लेफ्ट प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन आप ही बताते जाओ मेरे को. लेफ्ट प्रोजेक्टाइल का y y एक्सिस में क्या होगा? वाई इक्वल्स टू 10. हाँ, टी. अब एक्सिलरेशन जो है वो हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में, जी करेक्ट. तो 10 टी माइनस हाफ 1/2 जी टी स्क्वायर. सिमिलरली लेफ्ट के लिए क्या, राइट के लिए क्या होगा? राइट ब्लॉक के लिए इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी कितनी है? 0. तो 10 माइनस 10 माइनस 5 equals to g 1/2 gt square. माइनस ही होगा? यस सर. तो दोनों को कंबाइन करो, ऐड करो यहाँ पे भी, तो क्या आ रहा है? 10 equals to 10 t और g की वैल्यू 10 पुट कर दो तो माइनस 5 t square. राइट right? अभी यहाँ पे डी कैलकुलेट करना है ना, तो टी की वैल्यू हम पुट करेंगे डी बाय 20. तो टी को डी बाय 20 पुट करके देखे, डी बाय 20 माइनस 5 डी स्क्वायर बाय 400. लेंदी हो रहेगा 280. तो क्या होगा डी स्क्वायर, बता दे जो अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो, माइनस 40 डी प्लस 800 प्लस 0. तो यहां से बताओ डी कितना आ रहा है? अगर कुछ गलत हो तो इसमें देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सर 800 क्यों आपने लिखा, समझा नहीं. ये 10 है ना, तो 80 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड में. ओके सर, आपने एलसीएम करके वो किया. ओके सर, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आंसर? करो ना, अभी करो, आना चाहिए. अगर नहीं आ रहा है तो कुछ तो गलत है. अब इसके रूट्स क्या पड़ते हो तो पता नहीं है, तो कैलकुलेट करते हैं. ओ, इमेजिनरी रूट्स आ रहे क्या? यस सर. तो कुछ तो गलत किया आपने. यस सर, इमेजिनरी है. 2400 आ रहा है 4AC. कुछ तो गलत किया आपने. एक सेकंड, ये y 10 था तो 10 माइनस y सही है.
ऐड करेंगे d इक्वल्स टू 20 t आ रहा है। देखो कौन से मेथड में हमने गलत किया, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है। शुड वेलोसिटी जीरो, टेन माइनस फाइव इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। ओ राइट राइट, इनको जब हमने ऐड किया ना तो माइनस हाफ और माइनस हाफ क्या हो जाएंगे, प्लस, तो यहाँ पे टेन आएगा, सॉरी इधर हो जाएगा फोर्टी, तो क्या होगा यहाँ पे 400 आएगा और इधर 20 हो जाएगा। सही है, एक बार देखो सही कर रहेगा। टेन माइनस वाई इक्वल्स टू पहले इक्वेशन में क्या है सर, अभी भी इमेजिनरी रहा, ऐड कर रहे हैं ना अपन दोनों को। यस सर, तो टेन हो जाएगा इक्वल्स टू टेन टी माइनस टेन टी स्क्वायर राइट, तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। हाँ इसी का हमें ये आ रहा है इमेजिनरी, टाइम का इक्वेशन कुछ गलत हो रहा है। देखो पहला तो ये सही है, दूसरे में कुछ गलत किया अपन ने। सही, तो यहाँ पे हमने y डिस्प्लेसमेंट लिया है और अच्छा, अरे ये जो नीचे आएगा ये तो प्लस हो जाएगा ना, ये वेलोसिटी नीचे आ रही है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा राइट। तो 10 माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस जी टी स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी नीचे है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा बराबर। तो सिंपल 10t इज इक्वल्स टू y आएगा, y इज इक्वल्स टू 10t हो जाएगा ठीक है। तो बस y नहीं सॉरी 10 इज इक्वल्स टू 10t, तो t की वैल्यू कितनी आएगी अपने को अभी 1 सेकेंड, तो बस यहाँ पे 1 सेकेंड पुट कर लो तो d 20 आएगा। सही है क्या, देखो यहाँ पे हम प्लस लेना भूल गए, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है तो प्लस देना पड़ेगा क्योंकि नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा था इसलिए माइनस लिया ठीक है लेफ्ट वाला। देख लो अच्छा क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। सर 20 दिया है सर वैल्यू। हाँ तो 20 है ना, 20 तो है डी, सही नहीं है क्या, 20 सही है ना। यस सर सही है, डी का ही तो वैल्यू पूछा है ना। यस सर, ये सब गलत, इसकी जरूरत ही नहीं है, अपने आप कैंसिल हो जाएगा। देखो प्रोसेस पता चला ना, कोलिजन में कभी भी क्वेश्चन आया तो हम क्या करेंगे, दो प्रोजेक्टाइल का इवन ऐसे दे देंगे, एक ऐसा है एक ऐसा है, तो हम एक्स एक्सिस में अगर ये एक्स ट्रैवल करता है तो ये कितना ट्रैवल करना चाहिए, डी माइनस एक्स, अगर ये वाई ट्रैवल करता है टी टाइम में तो इसको भी कितना टाइम ट्रैवल करना चाहिए, वाई ठीक है, अगर ऊपर से आता है तो ये टोटल जितना होगा उतना करेंगे। x और y एक्सिस में आप उसका डिस्प्लेसमेंट रिलेट, मतलब वो उस पॉइंट पे लेके आओ, एक ही पॉइंट पे पार्टिकल आना चाहिए दोनों, तब जाके वो कोलाइड होगा एक ही टाइम में, एक ही टाइम में, मतलब सर कोऑर्डिनेट सेम होंगे तब। हाँ कोऑर्डिनेट सेम एक ही टाइम में ठीक है, एक ही टाइम में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम होने चाहिए दोनों पार्टिकल्स के। उसके बाद और कोई मेंस का नहीं है? नो सर,
निकालो एडवांस निकालो सर। एक चीज और पूछनी थी। हाँ हाँ सर, वो जब पॉइंट बी से जो ऑब्जेक्ट गिरा, जब उसकी हॉरिजॉन्टल में 10 meters per second थी और वो ग्रेविटेशन मतलब उसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर था, तो सर वो एक तरह का वेक्टर ही तो बन गया। फिर उसके बाद फिर मतलब उसका जो उसमें वाई कंपोनेंट जो होगा उसका लेफ्ट वाले का क्या राइट वाले का? अच्छा राइट वाला तो ऐसे नीचे आएगा ना, तो सर वो नीचे आने के बाद में जो नीचे आएगा, नीचे आते वक्त में इसका वाई कंपोनेंट एक बन जाएगा ना, एक जनरेट हो जाएगा ना फिर। हाँ बनेगा, तो उसी को तो हमने 10 - y लिया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा वेलोसिटी का बोल रहे होगा, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी। हाँ बनेगा बनेगा। तो सर हम उसको भी कंसीडर कर सकते हैं या फिर उसकी वैल्यू में दी नहीं है इस वजह से हम ले नहीं सकते? नहीं बट ये आपको सिंपल मेथड नहीं लगा? बताओ सिंपल लगा सर, पर मैं दो स्टेप में मतलब दो स्टेप में अगर एक क्वेश्चन हो रहा है अपना है ना, तो वेलोसिटी वाले मेथड से क्यों करेंगे? हमें तो कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए उस टाइम के बाद। तभी कोलिजन का कंडीशन पूछा है ना उसने मेरे को। यस सर, मैं कोलिजन वाले मेथड से करूंगा। वेलोसिटी में जाना ही क्यों है? फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फंस जाओगे फिर कहीं पे। यहाँ पे दो इक्वेशन आ जाएंगे कटाकट। इतना मैक्सिमम मेरे को लगता है 2 या 3 2 मिनट में हो जाएगा ये क्वेश्चन ऐसे करोगे तो। ठीक है सर। चलो एडवांस का पेपर भेजा क्या सर? किधर भेजना था? ठीक है भेजा भेजा, एक सेकंड खोलता हूँ इसको। एडवांस नहीं भेजा शायद है, देखो सर किधर भेजना था? आपका नंबर है क्या कोई? चैट में भेजा है ना किसी ने? प्रणव सर मेरे में अटैच का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ठीक है हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, एक सेकंड। चलो एडवांस में बताओ नंबर, बताओ नंबर कौन सा क्वेश्चन। जितने हो पाते उतने करते हैं, अभी अपने पास 20 मिनट्स है तो बाकी के बाद में कर लेंगे। ठीक फर्स्ट हो गया। फर्स्ट में क्या पूछे? विच अरेंजमेंट वुड टेक मिनिमम टाइम? सही है। सेकंड वाला हो गया सर। फर्स्ट वाले में इसका आंसर वो है क्या? सी। फर्स्ट वाले में एक सेकंड, सर क्योंकि मिनिमम टाइम के हिसाब से तो सिर्फ हमें वही 2 मास कंसीडर करने थे, तो उधर मतलब वैसे एक स्ट्रिंग पे लगा के सब में फोर्स कांस्टेंट है ना? यस सर। तो ये देख लो कि फोर्स को अपोज करने वाला जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स को, जो मास वाला फोर्स है वो किस में कम होगा है ना, किस में कम है वो सबसे कम टाइम लेगा। जैसे पहले वाले में तो कितना है 2 mg है, 2 mg को हाफ कर दो तो कितना है mg। पहले वाले में F को अपोज करने के लिए mg फोर्स है, दूसरे वाले में आ जाओ F by 2 के लिए कितना है mg by 2 है, तो F के लिए mg, तो A भी नहीं है मतलब A और B में सेम टाइम लगेगा। तीसरे में आ जाओ 2 mg तो ज़्यादा टाइम लगेगा। फोर्थ में आ जाओ F by 2 2 mg के साथ है, F by 2
f by 2 2mg, तो f by 2 2mg के साथ है, तो f कितने mg के साथ होगा? f को ओपोज करने के लिए कितना फोर्स आ रहा है? 4mg. 4mg आ रहा है क्या? सर f by 2 2mg था तो फिर f तो 4mg रहेगा ना. F by 2 becomes 2mg. हाँ तो d भी नहीं है. मिनिमम टाइम पूछा है ना? यस सर. d में 2mg है. a और b में आ जाओ. a में ओनली mg है और b में f by 2 हाँ 2mg है. तो a आएगा आंसर. a नहीं है क्या आंसर? मैं सी लगा के आया था इसीलिए. ए यार इजी है. देखो बताओ क्या इसको. देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे करना क्या है. ये जो गाने चल रहे हैं यार आपके घर पे, क्या होता है सर? वो साइड में किसी के जो है, मतलब वो शादी वादी का है फंक्शन, इस वजह से. शादी के फंक्शन में पुराने गाने. चलो देखो सर, आदत है सर उनकी, क्या कर सकते हो. 2mg पहले एक एक ऑप्शन से चलते हैं. ए ऑप्शन में आ जाओ. 2mg नीचे है राइट, तो मैं तो स्ट्रिंग्स पे कितना फोर्स होगा? mg और mg हाफ होगा, t1 t2 राइट. तो f को अपोज करने के लिए ओनली mg आ रहा है ए ऑप्शन में. दूसरे ऑप्शन में आएंगे, ये पूरे पुली पे हम एफ फोर्स लगाएंगे, तो पुली की जो स्ट्रिंग्स है उस पे, मतलब जिस पे लीस्ट फोर्स होगी वो उसके लिए है. वो कम टाइम लेगा. ओके सर. हाँ तो इसलिए डायरेक्ट ए आंसर है. उसके बाद सेकंड देखो. नहीं है डाउट. थर्ड. अरे थर्ड तो ऐसे दिख रहा है मेरे को, एक एडवांस के लायक है क्या क्वेश्चन. फोर्थ. नहीं. फिफ्थ. अरे आप ही बता दो नंबर यार, एक एक मैं ऐसे काउंट करूंगा. बता दो. फिफ्थ नंबर फोर सर. फोर को करें ड्रैग. देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है सर. उसमें वो मंकी जो है 5 kg का है और वो रोप क्लाइंब कर रहा है, और रोप जो है 30 degree एंगल बना रही है उससे, वो वाला. सो उन्होंने बोला कि लाइट स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड. अच्छा इसको फिक्स किया है. 5 kg वाला ए एक्सेलरेशन से क्लाइंब कर रहा है. द क्लाइंब कैन टॉलरेट अ वर्टिकल फोर्स 40 N ओनली. अच्छा द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ विच. हाँ 40 N फोर्स ले लो टेंशन का. इधर इसका जो फोर्स है कितना अप्लाई होगा ए से, अगर वो ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है तो mg प्लस ma राइट. तो ये फिक्स्ड है तो इधर ले लो. इधर ले लो t. तो बेसिकली इस पे एक तो t लगेगा ही, और इसको हमें ये करना पड़ेगा, रिजोल्व करो. बताओ ये सर, t को रिजोल्व करना है. तो ये 30 है राइट. तो इधर कितना होगा t sin 30 और ये t. तो कर लो. t कितना है पहले तो बताओ. 5 g, g की वैल्यू 10 प्लस a ठीक है, और बोला है t प्लस t sin 30 जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 40 N. तो डाल दो बाकी 5
इंटू टेन प्लस ए वन प्लस वन बाई टू इक्वल्स टू 40 कितना आ रहा है? टेन प्लस ए इंटू थ्री बाई टू तो 15 बाई टू इक्वल्स टू 40 तो 10 प्लस ए की वैल्यू कितनी हो गई? 16 बाई थ्री सही है। ए आएगा अपना 10 माइनस 16 बाई थ्री विच इज 30 माइनस मतलब 14 बाई थ्री है क्या ऑप्शन में है सर? 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड ऐसे है क्या? यस सर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन ये तो करेंगे। देखो क्लैंप पे जो है ना इधर एक टी लगेगा और इस डायरेक्शन में टी लगेगा बराबर। तो मैंने क्या किया इस टी को रिजोल्व कर दिया एक एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। उसने पूछा है बस वर्टिकल फोर्स जो है वो कितना टॉलरेट कर सकता है 40 न्यूटन। तो वर्टिकल फोर्स तो टी प्लस टी कॉस 30 होगा सॉरी साइन 30। इफ दिस 30 ये भी 30 है टी साइन 30 वन प्लस वन बाय टू थ्री बाय टू। इस पे टेंशन तो इतना ही है ना 5 kg मास है उसका मंकी का वर्टिकल। अच्छा एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन तो फोर्स तो इतना ही होगा टेंशन। क्या गलत किया अपन ने बताओ? काफी गलती की है। बताओ बताओ किसका हुआ है? किसी का नहीं हुआ है क्वेश्चन? हाँ सर मेरा तो नहीं हुआ। अरे बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? कितने लोग हैं? 17 में से 16 लोग सॉरी 16 नहीं 15 में से किसी का नहीं हुआ। चलो अपन ही देखते हैं क्या गलत हुआ है। अगर हमने यहाँ पे F4 सप्लाई किया ठीक है टेंशन की डायरेक्शन सही ली ना अपन ने दोनों। अगर मैं क्लैंप की बात करता हूँ ओनली T लेके किया है क्या उन्होंने? अगर ओनली T लेके करते हो तो गलत होगा यार। आई थिंक ओनली T लेके किया होगा तो 5 to 10 प्लस ए इज इक्वल टू अगर 40 किया उन्होंने डायरेक्ट तो कितना आता है ए माइनस 2 तो नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा तो ये भी गलत है। इसमें हमने फोर्स तो सही लिया टेंशन वाला जो फोर्स है बताओ फोर्स ऑन द रोप वो तो सर मैक्सिमम 40 न्यूटन बोला है ना? नहीं नहीं मंकी अगर ए एक्सेलरेशन से क्लाइम करता है ठीक है तो स्प्रिंग पे जो है वो फोर्स कितना लगता है? एक मंकी का एम जी भी लगेगा प्लस टेंशन एम ए एक्सेलरेशन है टेंशन तो ऊपर लगेगा ना सर। टीन साइन थीटा तो वो होना चाहिए ना मतलब टी साइन थीटा इक्वल्स 40 न्यूटन सर क्यों ओनली टी साइन थीटा? हाँ सर। ओ हाँ 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 राइट 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 समझा समझा। देखो यहाँ पे ये जो फोर्स है टी उसका एक कंपोनेंट जो है ना टी साइन थीटा। हाँ सर। हाँ ये अपना मैक्सिमम टेंशन होगा अपन ने ऐड किया वो गलत किया। सही है सही है। फिर वो टी साइन थीटा अगर मेरा 40 होता है तो साइन 30 कितना हो गया? 1/2 हो गया। हाँ सर।
फिर तो आ ही जाएगा सर हमारा और एक्सेलरेशन। फिर ये आ गया तो क्या हो गया, 80 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, 5 इनटू 10 प्लस ए। हाँ सर, तो 10 प्लस ए इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ये कितना है 16। ए की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है क्या? हाँ सर वही है, ऑप्शन दिया है सर। राइट राइट, तो हमें ये वाला टेंशन नहीं लेना है। अगर मैं पूरे इसकी बात करता हूँ, मतलब वर्टिकल फोर्स ऑन क्लैंप, राइट, तो ये वाला तो है ही अपना, तो इसका जो कंपोनेंट है टी साइन थीटा, वही उन्होंने कंसीडर किया, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा वो 40 है। किया था सर ये, इसमें बहुत टाइम लगा था, मेरे को भी लेट समझ आया था। और बताओ, फिफ्थ वाला तो इजी है, सिक्स्थ वाला हो गया? सिक्स्थ वाला तो सर सर ने करा दिया था क्लास में। ओके, सेवेंथ सर, हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर बताओ, एक ही क्वेश्चन कर सकते हैं। सेवेंथ, सेवेंथ वाला करते हैं, बाकी के करेंगे बाद। क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास इज प्लेस्ड ओवर विच ऑफ सेम मास, ओके, अज्यूमिंग ऑल सरफेसेस ऑफ स्मूथ, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए इन 1 सेकेंड इफ द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। तो क्या हो रहा है, इस बी पे कितना फोर्स लगेगा बताओ, नीचे की डायरेक्शन में, एम जी साइन थीटा, और इस पे भी मास कितना है m, राइट, अगर मैं दोनों को साथ में रिलीज करता हूं तो क्या होगा, दोनों का हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है सर। ये क्वेश्चन होमवर्क में लास्ट क्लास में आया था। अच्छा, ये भी हो गया था सर? नहीं, मतलब अभी करने के लिए बोला था। अच्छा, हाँ हाँ, हमें क्या करना है, बस इसका जो एक्सेलरेशन है ना उसकी डायरेक्शन ले लो, ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगा इसका एक्सेलरेशन विच इज जी साइन थीटा, ये तो पता ही होगा आपको, राइट, और अगर मैं ए को ड्रॉ करता हूँ तो ए का एक्सेलरेशन किधर है, इस डायरेक्शन में, जी साइन थीटा, राइट, अभी मैं रिलीज करूंगा फ्रॉम रेस्ट तो ऐसे हमें दिखेगा कि बी और ए साथ में तो जा रहे हैं, राइट, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है ए का इन 1 सेकेंड, तो इसका एक्सेलरेशन x एक्सिस में भी कुछ आएगा, मतलब x का डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे कि वो तो x एक्सिस में डायरेक्शन होगा उसका, निगेटिव x एक्सिस में, राइट, तो हमें इसका एक कंपोनेंट और लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, g साइन थीटा, ये अगर हमारा थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो अगर देखोगे कि इसका जी साइन स्क्वायर थीटा एक्सेलरेशन आ जाएगा इन एक्स एक्सिस ऊपर वाले ब्लॉक का, ए का, ठीक है, और बी का क्या होगा, बी का तो इस डायरेक्शन में लेंगे हम जी साइन थीटा, तो अगर रेस्ट में करते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर मैं बी की बात करूं तो बताओ, हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, मतलब 1, राइट, सिमिलरली ए की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी विथ रिस्पेक्ट टू बी, हाफ जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, राइट, तो हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी
माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी. तो बताओ क्या आ रहा है फिर इसके रिस्पेक्ट में. हेलो, कोई नहीं, हमें क्या करना है, रिलेटिव यहाँ पे वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी का, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का, सॉरी वेलोसिटी का. अगर बी नीचे जाता है तो ए तो नीचे जा ही रहा है, लेकिन साथ साथ में क्या कर रहा है वो, एक्स एक्सिस में भी जा रहा है, तो दोनों डिस्प्लेसमेंट हमें कंसिडर करनी पड़ेगी. ठीक है, कर लो इसको, कंप्लीट कर लो. अभी मेरा और एक क्लास है शायद 9 बजे, तो मेरे को तो जाना पड़ेगा. ठीक है, बाकी अमन सर करा देंगे आपको. चलो कर दूं, एंड कर दूं, बताओ कुछ तो बोलो. ओके सर. ठीक है सर, ये शेयर करना है क्या स्लाइड, या फिर जरूरत नहीं है? सर कर दीजिए सर. नहीं करते यार, चल बाय.